डोरेमोन कोई ओरिजिनल एनीमे नहीं है बल्कि इस सस्ते कार्टून की कॉपी है। क्यों स्पॉन्जबॉब को चाइना में चुपके से दिखाया जाता है? और क्या आपने इंडिया का अगेन द कॉकरोचेस देखा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? भाई वीडियो को स्किप करने का सोचना भी मत, बहुत मजा आने वाला है। नंबर वन, डोरेमोन। डोरेमोन कोई एक्चुअली में ओरिजिनल नहीं है बल्कि वो असल में रोबोटोन की कॉपी है। रोबोटोन को 1966 में लॉन्च किया गया था और डोरेमोन को 1979 में। तो ये बात तो साफ है कि कौन पहले आया था। जब डोरेमोन आया था तो उसके सबसे फेमस गैजेट्स में से एक था बैम्बू कॉप्टर, जिसे सर पर लगाकर डोरेमोन अपनी बिल्ली से मिलने जाते रहता था। लेकिन ये सेम चीज आप रोबोटोन के सर पर भी देख सकते हो। रोबोटोन की शो में सबसे खास बात तो ये थी कि शो में पहली बार जियान जैसा मोटा बंदा और सोनियो जैसा टेढ़ा मुंह वाला बंदा दिखाया गया था, जिसे सेम टू सेम आप डोरेमोन और कितरेत्सु में भी देख सकते हो। नेक्स्ट, रोबोटोन का मेन बंदा है, उसने रोबोटोन को बनाया था उसकी हेल्प के लिए। लेकिन डोरेमोन के फ्यूचर एपिसोड में भी ये रिवील कर दिया गया कि डोरेमोन को भी नोबिता ने बनाया है। सबसे मेन चीज, जैसे डोरेमोन के पेट में एक थ्री डायमेंशनल पॉकेट था, वैसे ही रोबोटोन के पेट में भी एक पॉकेट था, लेकिन वो 3D नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम था। नंबर टू, ये बच्चों का कार्टून आपकी दादी से भी ज्यादा ओल्ड है। 2012 में जब निकलोडियन से ऑगेन द कॉकरोचेस को कार्टून नेटवर्क ने खरीद लिया था तो उनके पास कोई भी चूहे बिल्ली जैसा कार्टून नहीं बचा। लेकिन इन शोज की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि 2013 में ही निक ने सेम ऑगी जैसा ही इंडियन शो लॉन्च किया जिसका नाम था पकड़म पकड़ाई। दोनों में फर्क बस इतना था कि ऑगेन द कॉकरोचेस में और इसमें चूहे थे। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये दोनों के कुछ एपिसोड्स के वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बिल्कुल सेम है। ये कार्टून भी बाकी चीज कार्टून्स की तरह है और ये इंडियन ऑडियंस में बहुत फेमस हुआ, जिससे बच्चे आज भी पसंद करते हैं। नंबर 3, जब इस कार्टून को कार्टून नेटवर्क पर दिखाया गया तो इसने स्पॉन्जबॉब स्क्वेयरपैंट्स की पैंट्स की बिल्कुल इज्जत ही लूट ली। इस कार्टून को देखकर आप समझ जाओगे नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। इस कार्टून का नाम था अंकल ग्रैंडपा। पहले तो मुझे कोई ये बताया कि कोई एक ही बंदा अंकल और ग्रैंडपा सेम टाइम पर कैसे हो सकता है। एनीवेज, इस कार्टून में ये चाचा सबके अंकल और ग्रैंडपा होते हैं। इस शो में बस यही अलग चीज है, बाकी दोनों शोज में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। दोनों की पर्सनालिटी एक जैसी है और जैसे स्पॉन्जबॉब अपनी कमरियां मटकाता है वैसे ही इस शो में भी किया गया है। और ऐसा शायद इसलिए क्योंकि जिस बंदे ने स्पॉन्जबॉब स्क्वेयरपैंट्स के शुरू के 100 एपिसोड्स निकाले हैं उसने ही अंकल ग्रैंडपा के लिए भी काम किया है। तो अब इसे कॉपी कहे या नहीं आप ही बताओ, क्योंकि दोनों एक ही इंसान ने तो बनाया। नंबर 4, क्या सच में जापानीज लोगों को हिटलर पसंद था? आज मैं ऐसे ही कुछ डिटेल्स बताऊंगा जिसे आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। जो मेन कैरेक्टर्स आपको दिखाने वाला हो उनकी जरा मूंछों पर ध्यान देना। डोरेमोन में वैसे तो डेकी सुगी के पापा को बहुत कम दिखाया गया है, लेकिन वो कुछ ऐसे दिखते हैं। और इनके बारे में बस यही इन्फॉर्मेशन है कि ये नोबिता के पापा के साथ ट्रेन में जॉब के लिए जाते हैं। नेक्स्ट, जापान में सुनियो के पापा को कुछ ऐसा दिखाया गया है, वही जापान में इनके मूंछों को बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। और पोकेमोन के एपिसोड में एश और उसके फ्रेंड्स पोकेमोन पकड़ रहे होते हैं, लेकिन उसमें टीम रॉकेट की बिल्ली बिल्कुल सेम वैसे ही फेक मूछे लगाती है। इन सबके बैन होने के बाद भी आखिर जापान क्यों हिटलर जैसी मूछे यूज करता है, ये सोचने वाली बात तो है और कई सवाल भी खड़े करता है। क्या सच में अमेरिका ने जो जापान के साथ किया उसे क्या जापान भूल गया, या अपने एनिमे के जरिए जापान अमेरिका को पोक करते रहता है? आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। नंबर 5, स्पॉन्जबॉब स्क्वेयरपैंट्स। स्पॉन्जबॉब स्क्वेयरपैंट्स और एडवेंचर टाइम जैसे कार्टून पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन ये सिर्फ चाइना में बैन कर दिया है और इसके बाद उन्हें चुपके से दिखाते हैं। एडवेंचर टाइम कार्टून नेटवर्क के सबसे हिट कार्टून में से एक है। इस कार्टून को एक मैड मैक्स मूवी से इंस्पायर होकर बनाया गया था। उसी टाइम चाइना ने भी इसे लॉन्च किया लेकिन थोड़ी बहुत हेरा फेरी करके, जिसका नाम था लेजेंड ऑफ लकी पाय, जिसमें कुछ एनिमेशन चेंज थे, बस बाकी पूरी स्टोरी और कॉन्सेप्ट सेम ही दिखाया जा रहा था। ये बात एडवेंचर टाइम के फैंस समझ गए और इस शो को बहुत हेट मिला जिसकी वजह से इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए, लेकिन पब्लिक का गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ जिसकी वजह से इस सस्ती कॉपी को बंद करना पड़ गया। स्पंजबॉब स्क्वेयरपैंट्स को चाइना में कोकोनट फेड्स फ्रूट सलाद के नाम से दिखाया गया। जैसे स्पंजबॉब पाइनएप्पल हाउस में रहता है वही कोकोनट के कैरेक्टर एक आइलैंड पर रहते हैं। स्पंजबॉब का सपना क्रस्टी क्रैब में मैनेजर बनने का था और कोकोनट के भी बहुत सारे ड्रीम थे, जैसे ड्रम बजाना, लाइफगार्ड बनना और अपने आइलैंड को वोल्केनो से बचाना। लेकिन इस कॉपी को फैंस ने रंगे हाथ पकड़ लिया और ये कार्टून में फ्लॉप हो गया जिसे लोगों ने पसंद ही नहीं किया। नंबर 6, जॉनी टेस्ट। उसके बारे में आप ये नहीं जानते होंगे कि ये कार्टून पहले निकलोडियन पर आता था जिसमें बहुत सारे चेंजेस थे। निकलोडियन पर ये कार्टून द एडवेंचर्स ऑफ जिमी न्यूट्रॉन बॉय जीनियस के नाम से आता था। इस शो में एक जीनियस बच्चा था जिसके बेसमेंट में एक लैब थी जो वही अपने एक्सपेरिमेंट करता था। ये कॉन्सेप्ट सुना हुआ लगता है राइट, क्योंकि सेम चीज जॉनी टेस्ट में भी थी, बस जॉनी टेस्ट में उसकी बहन एक्सपेरिमेंट करती थी और उनके लैब का चूहा जॉनी होता था जिसपे वो एक्सपेरिमेंट होते थे।
थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट में कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती थी जिसकी वजह से जॉनी के लेने के देने पड़ जाते थे। लेकिन एपिसोड के एंड में दोनों कार्टून में सब कुछ ठीक हो जाता है। वैसे भले ही जॉनी टेस्ट को कहीं से उठाया गया हो, लेकिन एक कार्टून था बहुत मस्त। क्या आप भी इसको पसंद करते थे? कमेंट में जरूर बताना। भाई ये तो आपने जान ही लिया, पर कैसे खाने के बीच में ऐसी जगह बना देने से आपका खाना कभी ठंडा ही नहीं होगा? कैसे ये रोजाना खाने की चीज को हम इतना गलत करते हैं कि हमसे कई गुना बेहतर तो बंदर कर लेते हैं? और कैसे अमेरिका के लोगों की वजह से आज हमारा पेट खराब होता है? भाई इस वीडियो को अभी दबाओ, बहुत ही खतरनाक है। और इस वाली वीडियो को लाइक भी ठोक के चैनल को सब्सक्राइब जरूर मार देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।